आप लोगों को लेकर के ये बताया, आरजेडी के लोग तो उत्साह मनाने लगे, जश्न मनाने लगे हैं, कह रहे हैं कि जीत तो हमारी दोनों सीटों पर तय है। हम भी उत्साह में हैं। पहले राउंड में जब कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आगे थे तो बहुत उत्साह में थे। अभी देखिए, हम कुशेश्वर स्थान में भी हम आगे हैं और तारापुर में भी हम आगे हैं। हम दोनों क्षेत्रों में आगे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों क्षेत्रों में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी की ही विजय होगी। शिवरंग तिवारी कह रहे हैं कि पत्रा देखने वाले को पत्रा देखने दीजिए, पत्रा सब फेल हो जाएगा, आप लोग के बारे में। आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने ही एक दौर में कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में मुख्यमंत्री बनने का लकीर नहीं है। 16 वर्षों से तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। इसलिए आदरणीय शिवानंद तिवारी जी इस संदर्भ में, पोथा पत्री के संदर्भ में क्या बोलते हैं वही जानते हैं, वही समझते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 16 वर्षों से राज्य की जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आरजेडी के लोगों से अभी हमने बात की, उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो वहां पर ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पिछले बार की तरह इस बार किसी तरह की सरकार की चोरी या फिर जो हेरा फेरी उन लोगों ने आरोप लगाया है कि चुनाव परिणाम के दौरान हुए थे, वो इस बार नहीं होने देंगे, इसलिए तेजस्वी यादव वहां टिके हुए हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करना राष्ट्रीय जनता दल और यूपीए का काम रह गया है। संवैधानिक संस्था जिस प्रकार से देश में अपना नाम कमाया है, कीर्ति स्थापित किया है, गौरव बढ़ाया है चुनाव कराने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने, बल्कि देश के बाहर भी छोटे छोटे जो देश हैं उन देशों ने भी भारत से सीखा है और भारत का निर्वाचन आयोग दूसरे देशों में भी जाकर के निर्वाचन कराने का काम करती है। इसलिए इन लोगों को हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना सीखना चाहिए, एनडीए से, जदयू से, भाजपा से। लेकिन अब आपके दूसरे सवाल पर मैं आता हूँ। जगदानंद सिंह जी को तो उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया नहीं, लेकिन अब उनको मतों की गणना में भेज दिया उनको मुंगेर। देखिए, ये कैसी विडंबना है कि आप उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाते हैं और 80 वर्षीय वृद्ध जगदा बाबू को मतों की गिनती में भेज दिए हैं। सबसे पहले तो उनको इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को। जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप लोग? हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया है, लोगों ने राज्य में अमन चैन शांति है उसके नाम पर वोट किया है। और ये कोई पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी लोग वोट करते रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में जदयू और एनडीए जीतते रही है। हम इस तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।